किस की जगह है? ये मुकद्दस और आग जलाते होंगे, फिर दरिया में बहा देते होंगे मुकद्दस और आग। या डॉक्यूमेंट्स, फौजी वो खास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको जलाकर या कचरे को जलाते होंगे। हनी तितली देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, यहीं पर होता आपका घर? आप बारिश में फिर रह सकते? हाँ तो हमें मजा आ रहा है, ऐसे पर हम रोजाना वॉक पे जाते हैं। माशाल्लाह हाइकिंग पे चल तो रहे हैं, यही हाइकिंग तो है। स्टिक उठाता था यार, यार तू हर चीज यार टाइम से भूल आता है। हाइकिंग स्टिक गाड़ी में रखी है और हनी की, और हाल यह है कि हनी हमारे साथ है और छतरी में हाइकिंग कर रहा है। अतीन को मैंने अपनी हाइकिंग स्टिक दे दिया। ये देखो ये ट्रैक ऊपर चढ़ने का ऐसे पतला पतला। इधर अब हम यहाँ पे बीच पे जा रहे हैं, दरिया के बीच, दरिया के बीच, दरिया के बीच पर जा रहे हैं। इसकी ये देखो ये लकड़ी को कैसे, खास लकड़ी है, किस तरह से है, जैसे सींग हो नहीं, वो टूटी हुई कोई लकड़ी बहती हुई आई होगी दरिया में। पता है आप लोगों को इस दरिया में कभी कभी लोग बहते हुए इंडिया से भी आ जाते हैं, कोई गिर जाता है तो जिंदा आते हैं कभी। हाँ तो ये दरिया वहाँ से इंडिया से आ रहा है, ये दरिया इंडिया से आगे जो ताऊबट है ना, वो जहाँ से उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, शादरा वो दरिया चनाब आता है, माशाल्लाह सिंध अपना नीचे, ये आप कितना प्यारा माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। उधर देखो ऊपर की तरफ, वो भेड़े बकरियां चढ़ रही हैं, ये देखिए आबशार से आबशार बनती आ रही है, माशाल्लाह। हनी हनी इस साफ पानी को देखकर, वो साफ पानी है, ये देखिए साफ पानी है, वो साफ है माशाल्लाह, ये पत्थर से जो आ रहा था साफ होता है ना। भाई मेरे बूट गीले हो गए सारे, अब्दुल्ला उतर गया नहीं थी, ये देखिए वो साफ है माशाल्लाह। का नज़ारा बहुत प्यारा है, यहाँ का काले रंग की रेत आई हुई है सारी, देखें, और माशाल्लाह बहुत मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो गई है, बारिश से और मौसम फैंटास्टिक हो गया है, बारिश के होने से मौसम फैंटास्टिक हुआ है। ट्राउट होगी इसमें, यहाँ पर ये कुत्ते के पंजे लगे हुए हैं बड़े बड़े, रात को यहाँ पर आता है वो, यहाँ पर कुत्ते रैकी करता रहता है वो। और उस तरफ से जो है ना झरना, इस तरफ छोटा झरना आ रहा है यहाँ तक, ये बड़ा सा पत्थर पानी के साथ बहकर आया हुआ है, काफ़ी मुश्किल से वहाँ से क्रॉस हो रही है, देखें बस और दोनों आपस में काफ़ी क्रॉस मुश्किल है वहाँ पर, यानी ये वाला जो रास्ता है ये शादरा की तरफ जाता है, और हम अगर शादरा जाएंगे तो एक बल्ब आया हुआ है पानी के साथ बहता हुआ, ये देखें, और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, टमाटर भी आया हुआ है, तो दरिया में जो चीज़ आती है शायद, देखें जरिया दरिया जब भी चढ़ाई करता होगा तो यहाँ पर ये जो दरिया का बहाव है, यहाँ ताज़ा पानी आया हुआ है, इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ें लाया है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांग उस तरीके से पानी मांग रहा है दरिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया है, बहुत खूबसूरत है, मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस एरिया में आएं। शादरा से पीछे एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर आर्मी के रेस्टोरेंट भी हैं जो कि मिल जाते हैं, और आपको हमें 3000 में रूम मिल गया आसानी से, और शायद उससे भी कम हो जाए। यहाँ से ये देखें झरना पहाड़ के अंदर से बहाव करके आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है ये कोई पता नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इसका, इस तरफ दरिया में फिर मिक्स हो रहा है पानी, ये ऊपर से पानी बढ़ता होगा, रेत है पानी को बर्दाश्त कर जाती है, बहुत प्यारा है। यहाँ पर मच्छर हैं बड़े काटने वाले मच्छर हैं, ये मैंने कहा आपको ये वाला नज़ारा दिखा दूँ, बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह बहुत प्यारी, और यहाँ पर फूल हैं माशाल्लाह से प्यारे फूल हैं। ओ सामने अदीन आया हुआ है, बहुत तेज हवा है, मैंने छतरी खोली हुई है, छतरी खोली हुई है, अदीन सामने जा रहा है, वहाँ नज़ारा बहुत प्यारा है, और सारे लोग वहाँ सामने आए हुए हैं, इधर से दरिया का बहाव है, ये बड़ी छोटे पौधे काई, इसको भी देखें ये बहुत खूबसूरत होती है।
पकड़ने वाली डोर है, काफ़ी नीचे है। अब इसमें मछली तो नहीं होगी लेकिन क्योंकि पकड़ता होगा नहीं, आने आ नहीं रही, मेरे हाथ को काट रही है। बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तेरा लाख-लाख शुक्र है कि तूने हमें इस तरह के नज़ारे अता किए और तूने हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की। के थोड़ा सा पानी को चेक करें कितना ठंडा है, ठंडा है अभी सही के नहीं। ओ माय गॉड, बहुत ठंडा यख पानी है। इधर पानी देखें ऐसे आ रहा है जैसे लहरें आती हैं, लहरों की तरह आ रहा है और लहरों की तरह ही जा रहा है। देखें अभी पानी यहाँ तक आएगा फिर वापस चला जाएगा, लहरों की तरह समंदर का व्यू बना हुआ है। इतना यख पानी है, अभी मैं हाथ धो लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पर सर्दी फील हो रही है, काफ़ी बच्चे सर्दी फील कर रहे थे, वो सारे वहाँ चले गए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर बच गया हूँ अकेला, तो सब लोग उसी तरफ चले गए हैं, अब हम भी उसी तरफ चलते हैं और फिर किसी और तरफ का नज़ारा लेंगे इंशाल्लाह। और नज़ारा है, ये फिश के बच्चे हैं या मेंढक के हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में हैं। थोड़ा बड़ी फिश नहीं नज़र आ रही यहाँ, शायद कहीं पर नज़र आए। इसमें लग तो ऐसा है जैसे या तो मेंढक के हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि ये फिश के हों, ये हमें इसका जो है वो नॉलेज बहुत कम है। अभी थोड़ा पानी के अंदर का इन फिशेस का नज़ारा देखते हैं कि इनको किस तरह का अंदर माहौल है, तो ये क्या कर रही हैं बैठकर यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जितना मैं इसकी तारीफ़ कर लूँ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। दरिया में से भाई सोना मिला है, हनी सोने का ये लेकर आया है। वाह वाह हनी, ये कौन से कश्मीर से पता नहीं आया होगा। हनी रुक, तेरी तस्वीर आएगा। ये लीच है, ये इसको अगर आप लगो लगाए ना यहाँ, ये ब्लड पीती है तो इसको, हाँ इसके जो ख़राब खून होता है इसके ज़रिए से निकलवाते हैं। इसको पकड़ें लीच को, नहीं ये ब्लड को वो करती है, पीती है। अब कैसे चल रही है, सांप की तरह, फिर सांप बन गई है, सांप ही ना हो शायद। चाचा मेरी तस्वीर बनाओ। लीच है, अब किस तरह से तैर रही है। पापा ने कहा था ज्यादा बनाओ। ये मौत हमें मिला है यहाँ पर, देखें बहुत खूबसूरत है, इसका कलर देखें। पर हनी कह रहा है मेरी तस्वीर बनाओ, तो यहाँ मैं जा रहा हूँ हनी की। हनी इधर कीचड़, कीचड़ है, कीचड़ में नहीं, इधर दरख्त पत्थर के ऊपर। अभी ये पत्थर कितने साफ हुए पड़े हैं, बहुत खूबसूरत है। हनी देखो कितना प्यारा पत्थर है, ये बहुत खूबसूरत पत्थर है माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, तो अब हम दरिया की साइड से वापस जा रहे हैं, वहाँ आर्मी के मेस में, वहाँ हमने नाश्ता करना है, वहाँ नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अगर आज हम शात्रा जाते हैं तो वहाँ का इंशाल्लाह व्यू देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, महजूज होंगे, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदरुस्त भी होंगे। हनी अल्लाह हाफिज़ कर दो, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।